नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। देश भर में लोग बढ़ती गर्मी से काफी परेशान हो गए हैं। हर दिन बढ़ा हुआ तापमान लोगों की तकलीफों को काफी हद तक बढ़ा रहा है। ऐसे में लोगों को बस मानसून के दस्तक देने का इंतजार है, क्योंकि बारिश होने के बाद ही तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन इस साल मानसून और सालों के मुकाबले काफी देर में आने वाला है। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के लोग भी काफी लंबे समय से बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ कुछ ही इलाके ऐसे हैं जहां अभी बारिश ने दस्तक दी है, बाकी हर जगह गर्मी का कहर जारी ही है। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ी इलाकों में रह रहे लोग भी भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। वहीं कुछ पहाड़ी इलाके ऐसे भी हैं जहां कल हुई हल्की बर्फबारी ने मौसम को सुहावना करने का काम किया है। कल बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में बर्फबारी होने से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई, साथ ही कई और पहाड़ी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश ने तापमान को गिराने का काम किया है। लेकिन अभी भी वैसी बारिश नहीं हुई है जैसा मानसून आने पर होती है, और उस बारिश का सभी को काफी लंबे समय से इंतजार है। प्रदेश की राजधानी देहरादून समेत कई अन्य मैदानी इलाकों में हीट वेव और उमस से लोग परेशान हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन और मैदानी इलाकों में ऐसे ही मौसम गर्म रहने वाला है, लेकिन अभी जल्द ही भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते लोगों को गर्मी से काफी निजात मिलेगी। फिलहाल मौसम से जुड़ी हमारी इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।